नमस्ते सभी को। हम लोग पांचवा सेक्शन जो है वही कंटिन्यू करेंगे, पर उसके पहले मैं वापस एक बार जय का बहुत बहुत आभार मानना चाहती हूँ। हम ये जो जूम रिकॉर्डिंग्स कर पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ जय। हम उसका प्रोफेशनल जूम अकाउंट यूज कर रहे हैं, ही इज लेटिंग अस यूज इट फॉर फ्री। थैंक यू जय वंस अगेन फॉर दिस। ओके, तो हमने पांचवा सेक्शन शुरू करा था, और पांचवे सेक्शन के दो भाग हमने कर लिए थे, जिसमें वही था कि मिनिस्टर्स का कंटक शोधन वगैरह, ऑल दैट वी हैड डन। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि कई बार अगर आपत्ति आ जाती है, अगर एडवर्सिटी आ जाती है, या कैलमिटी वाला कोई कोई परिस्थिति हो जाती है, तो उसमें ये भी कहा गया है कि किस तरीके से राजा जो है वो अधिक धन, अधिक कर अपने लोगों से ले सकता है, पर वो एक ही बार कर सकते हैं। एग्जॉर्बिटेंट टैक्सिंग जो है वो एक ही बार कर सकते हैं, परंतु तो उसमें ये लिखा है कि कुछ कुछ ऐसा करके किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली जा सकती है। परंतु जैसे फिर हमारा डिस्कशन हुआ था, और उन्होंने भी कहा था, ये जो कार्य है वो केवल जो दुष्ट है, जो सस्पिशन में है, जो वैसे भी सही कार्य नहीं कर रहे, उन्हीं के साथ करा जा सकता है। जो अच्छे से आपका टैक्स भर रहे हैं, सही से रह रहे हैं, कुछ आड़ा टेढ़ा काम नहीं कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा मत करो, ऐसा भी कौटिल्य ने कहा था। ठीक है, तो वी फिनिश देयर। अभी हम आगे करते हैं। ये आज का जो तीसरा है अध्याय, उसका नाम है भृत्या भृत्या भरणीयम। सो ये है पेज नंबर 384 पर, और ये है कि राजा के लिए जो भी कार्य करते हैं, है ना, उन सबको सैलरीज तो मिलनी चाहिए, वेतन तो मिलना चाहिए। हमने पहले भी देखा था कि उसमें वेतन क्या था ये नहीं दिया था, पर ये दिया था कि समय समय पर जो भी वेतन है वो दे देना चाहिए, नहीं तो हम अपने जो लोग हैं, अपनी जो जनता है जो आपके लिए काम करे, वो ही आपके विद्रोह में आ सकते हैं अगर उनका वेतन ना मिले, या कोई प्रोजेक्ट लिया हो उसका उसको उनको चुकता करके ना मिले, वगैरह वगैरह। तो ये जो है इसमें कुछ कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं अब कौटिल्य ने। ठीक है, तो मैं सब तो नहीं दिखा जाऊंगी, आई जस्ट फ्लैश एन एक्सेल शीट जिसमें मैंने कुछ कुछ वो नंबर्स डाल दिए हैं, परंतु वी जस्ट रीड बिफोर दैट। तो पेज नंबर 384 पर, तो वो क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से ये जो ह्यूमन कॉस्ट, ये जो होता है ना कि ह्यूमन कॉस्ट जो है कि वो कितना होना चाहिए। ह्यूमन कॉस्ट विल इंक्लूड ऑल द सैलरीज। तो इट सेज दुर्ग जन पद शक्त्या भृत्यु कर्म समुदाय, इसमें वादे ही दिख रहा है, बट इट हैज, जो मैंने दूसरे इसमें चेक किया संस्कृत, इसमें इट इज समुदाय पादे न स्थापये। सो दुर्जन पद शक्त्या भृत्य कर्म समुदाय पादे न स्थापये, कार्य साधन सहेन वा भृत्य लाभे न शरीरम अवेक्षेत। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो भी आवश्यकता या जो भी शक्ति है वो जनपद की, और उनकी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से, उसके प्रमाणगत जो उनके एम्प्लॉयज हैं सारे, उनको जो आय, जो उनकी सैलरी है, जो वेतन है वो देना चाहिए। पर उन्होंने एक अपर लिमिट स्पेसिफाई किया है। अपर लिमिट है समुदाय पादेन, समुदाय इज रेवेन्यू, रेवेन्यू पाद 1/4। तो इट बेसिकली सेज कि आपका जो सैलरी का कॉस्ट जा रहा है वो 25% से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बाकी मैनेजमेंट, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ सेविंग सब करनी है। तो उन्होंने इसमें अपर लिमिट दिया है 25% से कम। आई डोंट नो यू, जो हमारे जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें कैसा होता है। ऑफकोर्स जो मोर, जो सर्विस हैवी है, जैसे कंसल्टिंग है, आईटी है वगैरह वगैरह, उसमें तो ऑफकोर्स ह्यूमन कॉस्ट ही सबसे ज्यादा होगा, है ना, बिकॉज दैट इज ऑल्सो, दैट इज वॉट इज, दैट वुड बी अ सम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय कॉस्ट एवरीथिंग, जो हम इंडस्ट्री में देखेंगे, पर इंडस्ट्रीज में वो अलग होगा। तो इस हिसाब से उन्होंने राज्य के नियंत्रण के लिए, देखते हैं अभी हमारे जो फाइनेंशियल ये आते हैं उसमें क्या है। तो उसमें एक्चुअली वी सी कि जो सैलरी का कॉस्ट है, हमारे बजट जो भी आएगा 1 फरवरी को, उसमें सैलरी कॉस्ट, पेंशन कॉस्ट वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और उसी की भरपाई करने में जो फिर कर्ज भी लेना पड़ता है गवर्नमेंट को, वगैरह वगैरह। सो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर व्हाट द नंबर इज, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट दिस टाइम, बट इसमें जो गाइडलाइन दी है उसके उसके प्रमाण से 25% से कम, 25% इज अपर लिमिट, उतना आपका एम्प्लॉय कॉस्ट होना चाहिए। न धर्म अर्थो पीड़िये, और आपका जो जो तिजोरी है, जो रिसोर्सेज है, उसको बहुत ज्यादा अधिक कष्ट ना हो, जो आप अच्छा काम कर सको या जो नहीं करना चाहिए वैसे ना, जो करो आप
सही से करो विद इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ धर्म, एंड जितना आपके पास अर्थ है उस हिसाब से करो। फिर वो दे रहे हैं, तो क्या है उसके बाद जो लंबा चौड़ा है, आई जस्ट शो कि कितनी कितनी सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक सेकेंड मुझे शेयर, हाँ ये रहा एक सेकेंड। सॉरी सॉरी, गलत दिखा दिया। दिख रहा है ना आपको? तो सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है उसमें है आपके प्रधानमंत्री, आपके सेनापति, आपके जो राजगुरु है, राजपुरोहित है वगैरह वगैरह, राजमाता, युवराज और राजमहिषी, मतलब जो राजा है उनकी माँ, राजा की पटरानी, क्योंकि उनको तो बहुत सारी रानियां होती थी, पर राजा की पटरानी द मेन क्वीन, जिनका बेटा युवराज घोषित हुआ है। ठीक है, और युवराज को उनको सबसे ज्यादा सैलरी मिलेगी, विच इज 48,000 पण, पणा जो हमने देखा था उनका करेंसी का ये था, तो 48,000। उसके बाद किनको और उसमें इसमें लिखा है कि एतावता भरणे नाना ना भरेण अनस्पद्यतव्यम को अकोपम च एषां भवति। वो कह रहे हैं कि इतना आप इनको दोगे, है ना, आपके प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री और सेनापति तो आपके मुख्य हैं, अगर उन्हीं को, दोनों को अगर वो खुश नहीं है और उनको तोड़ फोड़ दिया गया, बेसिकली उनको कोई और खरीद लेता है, तो आपकी आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए उनको और आपके युवराज को ऑफकोर्स, या और आपकी मेन महारानी को, है ना, उनको आप ऐसे रखो कि वो अस्पद्यन्ते, स्पदंते मतलब वो कहीं चले ना जाए, किसी के पास मतलब गुस्सा होके कोई उनको खरीद ना दे, तो वो कहीं चले ना जाए, और अकोपम गुस्सा ना हो, संतुष्ट होके आपको लॉयल होके रहे, तो उनका सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है व्हाट इज विच इज 48,000। उसके बाद जो आपके महल का जो डोरमैन है, ठीक है, बिकॉज उसी से आपकी जो मेन रक्षा है, राजा की मेन रक्षा वो उससे होगी, तो वो अंतःपुर जहाँ पे रानी और सब रहते हैं, उसके जो गार्ड्स हैं, जो आपके कलेक्टर जज, जो समाहर्ता हमने देखा था, है ना, समाहर्ता धर्मस्थियम, जो मेन आपके मैजिस्ट्रेट्स वगैरह हैं, जो आपके चेंबरलेन, सन्निधातृ, बेसिकली आपके जो ट्रेजरी का इंचार्ज है, मेन ट्रेजरी का, राजकोष का जो इंचार्ज है, वो नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, बेसिकली इंपॉर्टेंस के हिसाब से वो नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, उनको 24,000 पड़ा, ये उनका सैलरी का गाइडलाइन दिया हुआ है। फिर बाकी रानियां और बाकी जो प्रिंसेस है ना, क्योंकि कितने सारे बच्चे होते हैं, उनकी भी माएं होती है, जो मेन रानी नहीं है पर राजा की रानियां है, तो उनको कितना, उनको 12,000। फिर आपका जो मंत्रिमंडल है, एक तो प्रधानमंत्री, पर आपको और भी मंत्रिमंडल चाहिए, तो जो मंत्रिमंडल है उनको 12,000। और जो हमने सेकेंड चैप्टर में सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट देखे थे ना, कि इसका हेड, उसका हेड वगैरह वगैरह, तो जो भी मेजर हेड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट कार्य के, जैसे फैक्ट्रीज के कर्मकांत कर जो वगैरह वगैरह हमने देखा था, तो फैक्ट्रीज के हेड हैं, द्रव्यवन के हेड हैं, खनिज मेटल्स वगैरह के हेड हैं वगैरह वगैरह, जो व्यापार व्यावहारिक व्यापार के हेड हैं, उन सबका 12,000, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स अगेन। फिर जो प्रदेश था, जैसे धर्मस्थियम जो थे और समाहर्ता नगर के थे, वैसे ही गांव के जो प्रदेश था है, हेड है, बेसिकली वहां के जो कलेक्टर्स है, वहां का ध्यान व्यान रखते हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, हाथियों का जो, हाथी को मैनेज जो करते हैं, हाथी और अश्वों को जो मेन मैनेज करते हैं, इन्फेंट्री कैवलरी के जो हेड्स हैं, बेसिकली आर्मी वाला रिलेटेड सब, उनके 8,000। उस तरीके से ही जो बाकी कुछ कुछ है, आप यू कैन सी 4,000 वगैरह वगैरह, इट गोज डाउन टू जो चैरियटर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो गाना वाना गाते हैं, राजा को उठाते वगैरह हैं, वो बंदी मगध वगैरह जिनको कहते हैं, उन सबको 1,000 1,000। जो सेना है, वो सोल्जर्स बेसिकली जैसे कहते हैं, और अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स, जो सारा क्लर्क का काम जो भी करते हैं, उनका 500। वैसे ही जो म्यूजिशियंस, एक्टर्स वगैरह वगैरह हैं, उनका 500, फिर 500 250 ऐसा कुछ कुछ था, एक्चुअली नॉट 500, एक्चुअली इट वॉज 250, सॉरी, दिस वॉज 250 एंड दिस वॉज 500। फिर बाकी जो सबसे लोएस्ट है, जो उनके महल में थोड़ा कुछ कुछ काम करते हैं, सर्वेंट्स का काम करते हैं, अटेंडेंट्स का काम करते हैं, अटेंडेंट्स ऑफ द महल एज वेल एज अटेंडेंट्स ऑफ एनिमल्स वगैरह,
उन सबका 60,000, 60 पर, ठीक है, ये उनका सैलरी रेंज उन्होंने नक्की किया है। उसके बाद जो एक तो उनके राजा के जो राजगुरु वगैरह हैं उनका तो हमने देखा सबसे हाईएस्ट कैटेगरी, पर बाकी भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं, टीचर्स हैं वहां पर जो होंगे राज्य में, उनके लिए भी कुछ सैलरी नियत की गई है, एंड वो बेसिकली 500 और 1,000 के बीच की है। फिर जो स्पाइज हैं, जो स्पाइज जिनको रखा हुआ है काम पर, उनकी भी 500 से 1,000 के बीच की सैलरी होगी, और उनको जो जो मेन स्पाइज जो है उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी वगैरह न्यूज वार्ता वगैरह समाचार पहुंचाना होगा, कुछ काम पहुंचाना होगा, तो उसके लिए जो मदद करते होंगे उसके लिए 250, ठीक है। और जैसा जिसका काम उस हिसाब से फिर वो बढ़ता जाएगा। फिर जो एनवॉयज हैं, जो मिडिल लेवल के एनवॉयज हैं जो बाकी देशों में जाकर मैसेजेस देते हैं, एम्बेसडर्स टू सम एक्सटेंट, बट जो वहां जाके वहां के राजाओं को मैसेंजर्स का जो काम करते हैं, उनको डिस्टेंस के हिसाब से उनको सैलरी मिलेगी, कितना पर योजन कुछ, तो एक्स अमाउंट ऐसा करके कुछ कुछ है, ठीक है। तो ऐसा करके वी हैव अ गाइडलाइन हियर ऑफ कैसे सैलरी होनी चाहिए। मेरे मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग ये था कि राजमाता, युवराज तो ठीक है, बट राजमाता पटरानी, जो बाकी प्रिंसेस हैं, जो प्रिंसेस की माएं हैं, जो बाकी रानियां हैं, उन सबको भी वो सैलरी कैटेगरी में रखा गया है। तो उन सबको भी उनका जो खर्चा पानी है उसको निकालने के लिए देर इज अ सर्टेन अमाउंट गिवन। ऐसे नहीं कि राज कोष है तो जिसको मन में आए उड़ाता जाए, तो वैसा नहीं था। तो दे हैव अ स्पेसिफिक अमाउंट विच इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, अच्छा खासा वो अमाउंट है जो उनको उनको दिया जा रहा है। मेन को तो ठीक है, बट बाकियों को भी आई थिंक 12,000 या कुछ था, तो दैट वॉज द थिंग। तो इसके बाद, हाँ इसके बाद एक चीज वो कहते हैं कि प्रयास वृद्ध वेतनम वेतनावा, कि जैसे उनका एफर्ट जैसे बढ़ेगा, एफर्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ काम जैसे बढ़ेगा, और आपको चाहिए कि भाई ये रहे, इसका उत्साह रहे वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब से आपका वेतन भी बढ़ता रहेगा। फिर एक चीज वो कह रहे हैं, हम पेज नंबर 386 पर है, जिसपे वो अब कुछ कुछ एडिशनल गाइडेंस दे रहे हैं कि कैसे ये वेतन सैलरीज वगैरह को मैनेज करना है। तो बता कहते हैं एक बात, कर्मसु मृतानाम पुत्रदार भक्त वेतनम लभेरन बाल वृद्ध व्याधिताश्च एषाम अनुग्रह। कर्मसु मृताना, ऐसे लोग जो अपने कार्य करते समय उनका देहांत हो गया, जैसे युद्ध में देहांत हो गया, या कहीं बाहर राजा के काम से गए हैं और देहांत हो गया, बेसिकली डेथ ऑन वर्क ऐसा कुछ हुआ है, तो उनके घर वालों का क्या? तो उनके घर वालों का जो संरक्षण है वो भी राजा को करना है। और जैसे आज भी मिलता है ना कि जो सेना वगैरह में भी उनकी जो विडोज होती है या उनके घर वाले होते हैं उनको रेगुलर पेंशन मिलते रहता है, तो वैसे ही उनका जो भक्त वेतन, उनका जो सैलरीज है वो उनके परिवारों को मिलते रहना चाहिए, स्पेशली जिसकी मृत्यु ऐसे काम पर हुई है, उनके घर के जो भी है जब भी उनको जरूरत पड़े तभी उन पर अनुग्रह किया जाए। फिर वो बोलते हैं अल्प कोशः कुप्य पशु क्षेत्राणि दद्यात् अल्पम च हिरण्य, कि सपोज कोष जो है, कोष इज ट्रेजरी, ट्रेजरी में तो हम रेवेन्यू जो पैसा है उसकी बात करते हैं, बाकी कोष तो वस्तुओं का था वो अलग, तो जो कॉइन्स या हिरण्य है जो भी हम कहो, जो वेल्थ, जो कॉइनेज करेंसी रिलेटेड कोष है वो आपका कम है, आपके पास एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ वो मूड़ी वैसा नहीं है, बट यू हैव अदर रिसोर्सेज जैसे पशु है, धान्य है वगैरह वगैरह। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपका कोष कम हो, कौन सा कोष कम हो? हिरण्य का, हिरण्य मतलब बेसिकली करेंसी का कोष अगर कम हो, तो फिर जो आप पैसा वो कम दीजिए आप, पर उसके बजाय साथ साथ में कुप्य पशु क्षेत्राणि, बेसिकली धन है, जमीन है, भूमि है, अगर उनको देनी हो साथ साथ, पशु हो वगैरह वगैरह, तो ये आप दीजिए ये करने के लिए। फिर और फिर जैसे बेसिकली द अदर थिंग ही सेज, एते न भृतानाम अभृतानाम च विद्या कर्मभ्याम भक्त वेतन विशेषम च कुर्यात, कि उसमें भी जो भृतानाम अभृतानाम, कि जो आपके हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनका विद्या कर्मभ्याम, उनका सामर्थ्य कितना है, ठीक है, सामर्थ्य कितना है, वो एक्चुअली कार्य कैसा कर रहे हैं, अनुभव कैसा है, कितना इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे आज भी देखते हैं ना, इट इज नॉट जस्ट पोजिशन बेस्ड, इट इज ऑल्सो सामर्थ्य बेस्ड। तो वो कह रहे हैं उस हिसाब से भी आपका भक्त वेतन जो है उसका निर्णय आप कर सकते हो। और फिर वो कहते हैं कि
जो जितना आपका मिनिमम कैटेगरी, बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो आप अन्न वगैरह भी साथ साथ में देते हो, है ना, जैसे हमारी सैलरी, सैलरी के साथ हमें बोनस भी मिलता है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप सैलरी और अन्न ऐसे दे रहे हो तो वो भी आप निश्चित कर लीजिए कि जितनी सैलरी जिसको है उस प्रमाण में उसको अन्न भी मिलेगा. तो दैट्स द अदर थिंग ही सेज. फिर आगे चल के सील्स फॉर आर्म्स, अचानक इसी चैप्टर में आ गया कि आर्म्स कोई भी कैरी नहीं कर सकता, और आर्म्स अगर हैं भी लोगों के पास तो वो सारे चिन्हित होने चाहिए, नरेंद्र अंक होने चाहिए. बेसिकली आर्म्स का, आर्म्स और अम्यूनेशन जो भी है, जो शस्त्र वगैरह है, उस सब का कैटलॉग होना चाहिए, सब सील्ड होने चाहिए, और क्या है क्या नहीं है, क्या खराब हो गया है, क्या चोरी हो गया, वगैरह वगैरह, इस सब का भी डिटेल्ड जो टैबुलेशन है वो होते रहना चाहिए. तो इस बारे में थोड़ा सा बताया है, बट आई थिंक वी कैन स्किप फॉर नाउ. हाँ, एवं वेत्ति आय व्यय कोष दंड व्यसन नावा आपनोति. तो इस तरीके से क्या आया क्या गया उस हिसाब से लोगों को वेतन वेतन देना, और ध्यान रखना किसको कितना दिया है, किस हिसाब से मिल रहा है, वो खुश है कि नहीं है वेतन मिलने से, वगैरह वगैरह, वो सब देखकर आपको भक्त वेतन का ये करना है. आई थिंक दैट्स इट. तो ये वो तीसरा अध्याय, ठीक है. सो वी आर डन विद द तीसरा अध्याय. दिस इज बेसिकली दिस. बिफोर आई मूव ऑन, एनी क्विक कमेंट्स, किसी को कुछ कहना है? ठीक है, कैन आई मूव ऑन? सुपर. आगे का चैप्टर है वो थोड़ा सा और अनरिलेटेड है. तो एक्चुअली ये फिफ्थ अध्याय में सब कुछ मिक्स मैच है. उसका नाम है अनुजीवी वृत्तम. चौथा और पांचवा जो है वो साथ में, वो एक्चुअली एक जैसे ही है. पेज नंबर 388 से ये शुरू होता है. तो इसमें कैसा है कि एक तो हमने देखा था कि जो मंत्री वगैरह हैं उनका अपॉइंट कैसे को अपॉइंट करे वगैरह वगैरह, राजा के लिए गाइडलाइंस थी, ठीक है. अब जो है या तो राजा स्वयं देखे, उनको पता है कि ये है और जो मेरे पास पूछा और उनको नियुक्त करे. दूसरा, किसी को ऐसा लगे कि मेरे में ये सारे गुण है, मुझे नीति शास्त्र पता है, मुझे न्याय शास्त्र पता है, और मैं, मुझे कोई ऐसा जॉब दे दे, जैसे हमने महाभारत में देखा था द्रोणाचार्य जो थे, द्रोणाचार्य तो हस्तिनापुर में नहीं थे पर वो जॉब ढूंढने निकले थे. वो ढूंढने निकले थे कि कहाँ पर वो जो युवराज है उनके शिक्षक बन सकते हैं, और वो ढूंढते ढूंढते हस्तिनापुर आए. उनको किसी ने कहा कि हस्तिनापुर आइए, इसलिए भी क्योंकि उनके जो साले हैं कृपाचार्य जी, वो भी वहां है, वो जानते हैं कि इनको आवश्यकता होगी, तो वो आते हैं. और उसी समय भीष्म है, वो भी ढूंढ रहे होते हैं, उनको भी प्रतीक्षा होती है कोई ऐसे गुरु मिले जो ये बच्चों को संस्कृत सिखा सके. तो उस तरीके से द्रोणाचार्य सामने से आए. तो इसमें यह है कि अगर सपोज मुझे या किसी को लगता है कि अच्छा मुझे किसी राजा के मंत्रिमंडल में काम मिलना चाहिए, मेरे में ये सारी क्वालिटीज हैं, तो वो स्वयं जाके अप्रोच करे. और अब वो स्वयं जाके अप्रोच करे, उसमें उस स्वयं जाके अप्रोच करे तो पहले तो अप्रोच कैसे करे, फिर किस तरीके से वो कंडीशन सेटिंग करे कि ठीक है, कि अगर पहले पहले तो अपना परिचय दे, अपने सामर्थ्य का परिचय दे, और एक बार राजा लेने को तैयार हो जाए तो किस तरीके से वो कहे कि भाई ठीक है मैं आने को भी तैयार हूँ, परंतु कुछ कुछ ये मेरी कंडीशंस हैं, वो आप पूर्ण करिएगा. और फिर कैसे उसने राजा के सामने उसका व्यवहार होना चाहिए, उसकी उसका जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, उस विषय में थोड़ा सा है. सो वील क्विकली गो थ्रू दिस अगेन. लोक यात्रा विद राजानम आत्मद्रव्य प्रकृति संपन्नम प्रिय हित द्वारेण आश्रये यम वा मन्ये यथा अहम आश्रयेप्सु एवं असौ विनयेप्सु अभिगामिका गुणायुक्त इति. उसमें बेसिकली वो कह रहे हैं कि लोक यात्रा विद, जिसको लोक यात्रा, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन की समझ है, जिसको समाज की समझ है, वो जो ऐसे राजा हो जो प्रकृति संपन्न हो, उसके पास अच्छा ऐश्वर्य हो, अच्छी प्रजा हो, अच्छा किंगडम हो, सब कुछ हो, उसके पास द्रव्य हो, बेसिकली राज्य में कोष हो, वगैरह वगैरह, तो उनको वहां किसी को जानते हो. हम कहते हैं ना कि मेरा रेफरेंस लगाइए, कोई कहेगा कि प्लीज रेफर मी, प्लीज मेरा रेफरेंस आप लगा दीजिए, इंटरनल रेफरेंस के थ्रू जॉब मिलता है. तो इसमें भी ऐसा ही कि गेट समबडी फ्रॉम द पैलेस, या जो राजा के
प्रिय हित द्वारेण, कि जो आपको जानते हैं उनके द्वारा, जो आपके प्रिय हो और आपका प्रिय हित भी चाहते हो, उनके द्वारा आप रेफरेंस लगाओ, ठीक है। उसके लिए हिंदी मराठी में क्या शब्द है, मैं भूल गई, का अलावा एक अच्छा सा शब्द है उसके लिए कि आप जो ये लगाते हो। एनीवेज उनके द्वारा आप अपना फॉरवर्ड करिए उनको कि हाँ भाई ये है, इनको इनके साथ आप बात करो। और उनको ये देखना चाहिए कि जो मेरे पास है, मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा जॉब है, मुझे ऐसा जॉब मिले, और ये जो राजा है उनको मेरे जैसे किसी मंत्री की आवश्यकता है। तो ये देख के जहां उसे लगे वहां उसने अप्लाई करना चाहिए बेसिकली। फिर वो कहता है कि द्रव्य प्रकृति हीनम अपि एनम आश्रये न तु एव अनात्म संपन्न। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा राजा जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा भी है नहीं, उसके पास भी कोई ऐसा मनुष्य जॉब के लिए जा सकता है, परंतु ऐसे के पास कभी ना जाए जो कैसा है, अनात्म संपन्न, जिसका कैरेक्टर खराब हो, ठीक है, जो बहुत ही इंडल्जेंट हो, उसका कैरेक्टर जिसका खराब हो, जिसको नीति शास्त्र वगैरह नहीं मालूम, ऐसे के पास ना जाए। पर अगर ऐसा राजा है जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, जिसको सब चीज की समझ है, पर उस समय उसके पास चलो इतना धन संपत्ति ना भी हो तो भी उसके पास जाया जा सकता है, क्योंकि जिसका कैरेक्टर ही खराब हो, जिसको नीति शास्त्र की समझ ही ना हो, उसके पास अभी भले ही राज्य हो, वो उसके पास रहेगा तो नहीं, वो स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें वो सामर्थ्य ही नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वो गाइडलाइन दे रहे हैं कि कैसे एम्प्लॉयर भी कैसा होना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द एम्प्लॉय, बट जिसके पास आप, जिस एम्प्लॉयर के पास आप काम करने जा रहे हो, उसके भी क्या गुण है ये देखकर आप जाओ। आपको मालूम है कि कोई एम्प्लॉयर है, वो सदैव कुछ ना कुछ करप्शन करते रहता है या कुछ ना कुछ घोटालों में है, तो उसके पास आप ना जाओ, बिकॉज कभी ना कभी तो वो पकड़ा ही जाएगा, है ना। इट इज द सेम लॉजिक। उससे अच्छा अभी भले ही छोटी कंपनी हो, पर जो फाउंडर्स है उन पर आपको विश्वास हो, उनके वो उनमें स्वयं में बहुत कन्विक्शन हो, स्टार्टअप भले ही हो पर उनके पास आप जा सकते हो, अगर आपको लगे कि नहीं कैरेक्टर से अच्छा और इनमें पोटेंशियल है, तो इट इज अ सिमिलर थिंग, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन। फिर वो कहते हैं कि मति कर्मसु पृष्ठ तदात्वे च आयत्याम च धर्मार्थ संयुक्तम समर्थ प्रवीणवत परिषिद भीरु कथयेत। हाँ, बेसिकली वो कह रहे हैं कि एक बार आपने अप्लाई करा, फिर यू सीक ऑडियंस विद द राजा, ठीक है, राजा के साथ ऑडियंस आपको मिले, और आत्मवती लब्ध अवकाश शास्त्र अनुयोगम दद्यात, कि लब्ध अवकाश आत्मवती, जो बेसिकली राजा के स्वयं के साथ आपको वन ऑन वन बात करने का अवसर मिले, तो क्या करो, शास्त्र अनुयोगम दद्यात, आपको शास्त्र की कितनी समझ है, नीति की कितनी समझ है, उस विषय में राजा के साथ बात करें, ठीक है। अगर राजा आपकी बात सही से सुनता है, आपको काटता नहीं है, आपके साथ विवाद नहीं करता, संवाद करता है पर विवाद नहीं करता, देन यू नो कि नहीं, आप जो कह रहे हो राजा को भी वो पट रहा है। बेसिकली ये है ना कि तो आपका इंटरव्यू, इट इज लाइक एन इंटरव्यू, तो आप में जो भी सामर्थ्य है, जो समझ है, वो आपके इंटरव्यूअर को बताओ, जो आपके एम्प्लॉयर है उनके सामने आप रखो, और अगर उनको लगेगा कि हाँ इसमें समझ है, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको चैलेंज नहीं करेंगे, है ना। अगर उनको लगे इसे कुछ नहीं आता है तो विवाद हो जाएगा, तो आप इस तरीके से रखो। और अगर राजा को लगता है कि हाँ ठीक है, इसमें ये धर्म संयुक्त बात कर रहा है और आपकी बात सुनता है, देन यू नो कि भाई आपकी पोजीशन स्ट्रांग है और अभी आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो वही, तो बेसिकली उसमें भी इंटरव्यू का ये है, बट यू सीक दैट इंटरव्यू इज वॉट ही से। फिर इप्सितः पणेत, अगर अगर आपको वो राजा उनको अच्छा लगता है और वो आपको ऑफर करते हैं कि हाँ भाई आप मेरे मंत्रिमंडल में आ जाओ, कि ठीक है गुड आई विल टेक यू, ठीक है, तो फिर आप तुरंत कि हाँ हाँ चलो मिल गया जॉब, बैठ गए, ऐसे नहीं। तो वो कहते हैं कि आप तभी उस समय आप राजा के सामने शर्त या कंडीशन कह सकते हैं, बट बेसिकली आप भी आपकी क्या अपेक्षाएं हैं वो राजा को बताइए। नाउ दिस अपेक्षा इज नॉट इन टर्म्स ऑफ सैलरी, पर इन टर्म्स ऑफ आप राजा के द्वारा कैसा व्यवहार चाहते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि
कि सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आपको कोई भी परेशानी है तो आप जो शास्त्र संगत है, जो बुद्धिमान है, मेरे से वगैरह ऐसे ही लोगों से आप बात करिए जिनमें स्वयं में कुछ बुद्धि नहीं हो, जो शास्त्र संगत ना हो, ऐसे लोगों को आप ऑडियंस मत दीजिए या ऐसे लोगों के साथ आप चर्चा विचारणा मत कीजिए। दूसरा वो क्या कहते हैं कि मेरे या मेरे लोगों के प्रति लिए, मेरी जो कम्युनिटी और मेरे लिए, आप हमको परेशान ना करिए, हमको मारना मत, ठीक है? बेसिकली कई बार ऐसे हो सकता है कि मैं आपसे कुछ कहूँ, कोई इम्प्लॉय जो है वो इम्प्लॉयर से, या वो मंत्री है तो मंत्री राजा से कुछ कहे और राजा को वो बात अच्छी ना लगे, फिर वो उसको भी मार दे और उसके लोगों को भी मार दे बिना वजह, जस्ट बिकॉज ही डिडंट लाइक इट। तो वो कहते हैं कि आपको मैं जो कहूँ उस बात से या और भी कोई कारण से, आपको मुझे या मेरे लोगों को दंड नहीं देना चाहिए, और मैं जो हूँ हमेशा आपको सही बात बताऊंगा। आप अगर किसी को काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में आकर पनिशमेंट दे रहे होंगे, या आपकी जजमेंट जो है वो किसी इन षड रिपू से मुझे लगेगा कि डिल्यूड हो रही है, तो उस समय भी मैं आपको बताऊंगा, मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको बताऊंगा, आप वो देखेगा और आप वो समझेगा। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि आई टेक द लिबर्टी टू करेक्ट यू एंड टू गाइड यू, और आप मुझे वो लिबर्टी दीजिए, आप मुझे वो स्पेस दीजिए कि अगर आप कहीं गलत जा रहे हो, क्योंकि मैं मंत्री हूँ, मंत्री का काम क्या है, राजा को सही से मंत्रणा कर सके, राजा को सही से मंत्रणा करने पर सहयोग दे, और राजा कहीं भूल चूक कर रहा है तो उसको भूल चूक के बारे में बताए। तो बेसिकली सेइंग कि आई टेक द लिबर्टी ऑफ टेलिंग यू कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा, तो आप मुझ पर भी विश्वास रखिए और मुझे दंड या मेरे लोगों को दंड देने का काम भी आप मत करिए, ठीक है? फिर हो गया, फिर उसको जॉब मिल गई, उसके बाद कैसा बिहेव करना चाहिए उसने जॉब मिलने के बाद? तो पहली बात तो वो कहते हैं कि जहां आपको राजा स्थान दे, उसके बहुत पास भी, एकदम बगल में जाके बैठ गए ऐसे भी नहीं, या बहुत दूर जाके बैठ गए ऐसे भी नहीं, साइड में पीछे जहां पर भी राजा, एक स्पेसिफिक अच्छे डिस्टेंस पे, जो विच इज नॉट टू क्लोज नॉट टू फार, वहां पर आप बैठिए। जो बात आप कहते हो वो हमेशा शास्त्र संगत हो, किसी की बुराई करने का बात मत कीजिए, जो सही है वो कीजिए, और अगर आपको कुछ बुरा हाँ, वो ये भी कहते हैं कि आपके किसी के साथ बिना वजह विवाद में मत पड़िए, कि राजा के बाकी मंत्री लोग हैं वो कुछ कहे उससे आप सहमत हो ना हो इज वन थिंग, पर एट दैट पॉइंट कोई बोल रहा है उस टाइम उसको काट कर बिना वजह उल्टा सीधा कह दिया, कुछ बुरा किसी को कह दिया, ऐसा सब आप मत करिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपके मन के भाव नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो कुछ कह रहा है आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी वैसे भ्रुकुटी, आपकी आईब्रो रेज हो रही है, आपका चेहरा एक्सप्रेशन बदल रहा है, फ्राउन आ रहा है, तो ये सब भी आप मत करिए, ठीक है? शांति से बात करिए, कोई कुछ कह रहा है अपना पॉइंट रखिए, आपको जो मन में है वो बिना किसी से डरे कहिए, परंतु ऐसी कोई बात हो, बेसिकली वो कहते हैं, दिस इज वेरी नाइस, अहीन कालम राजार्थम स्वार्थम प्रियहतय सह परार्थ देश काले च ब्रूयात अर्थम सहितम, कि अहीन काल बिना कोई भी समय गवाए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, राजा के और अपने अच्छे के लिए जो भी बात हो वो जरूर कहे, अर्थ संगत धर्म संगत जो भी बात है वो अवश्य कहे, पृष्टम प्रिय हितम ब्रूयात न ब्रूयात अहितम प्रियम, कि अगर आपको पूछे कोई बात तो अच्छी लगे ऐसी बात और उनके हित में हो ये बात बताइए, परंतु अच्छी लगे पर हित में ना हो ऐसी बात मत बताइए। अप्रियम वा हितम ब्रूयात शुणुवतो अनुमतो मिथः, अप्रिय पर अप्रिय लगे ऐसी बात हो पर हित की बात हो, ठीक है? पहले तो प्रिय है और हित की बात है तो अवश्य कहिए, सबके सामने कहिए, अप्रिय है पर अहितकारी है तो मत कहिए, अप्रिय है पर हितकारी है इसको आप कैसे कहो? तो अप्रिय और जो हितकारी है वो कहते हैं कि ब्रूयात शुणवतो अनुमतो मिथ, उनको पूछ कर अलग से सीख, ऑडियंस अलग से, उनसे सबके सामने ना कहिए, सबके सामने ना कहिए, अलग से उनसे बात करिए, क्योंकि कई बार ऐसे हो सकता है कि जो बाकी लोग हैं उनको आपकी बात अच्छी ना लगे, या उनको लगे कि आप जानबूझ के राजा की कान भराई कर रहे हो, कुछ उल्टा सीधा कह के उनके सामने शाइन पट्टी मार रहे हो वगैरह वगैरह, व्हाटएवर। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात हो वो आप अलग से राजा को कहिए, सबके सामने मत कहिए। फिर अः
किसी के लिए बुरे शब्द मत कहिए, ठीक है। पहले वो कहते कि जो जो वो बॉडी लैंग्वेज की बात आ रही थी, तब वो ये भी कहते कि कोई अगर अच्छी बात कर रहा है तो हंसिए, पर बहुत अतिशय हा 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 ऐसे राक्षस जैसे हंसिए ऐसे भी नहीं। लेट दैट ऑल्सो बी वेरी लिमिटेड। तितिक्ष भाव रखिए, अगर आपको कोई बुरा बोलता है तो सुन लीजिए, बट स्वयं डोंट रिस्पॉन्ड विद बैड वर्ड्स। और जो ऐसे खराब शब्द यूज कर रहा है उनसे दूरी रहिए, पर फिर भी अगर आपको कोई कह रहा है तो उस परिस्थिति में सहन करिए लीजिए। कई बार राजा ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि राजा का स्वभाव जनरली, जैसे राजा का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही वॉलेटाइल होता है, ठीक है। उसकी पोजीशन भी ऐसी है, उनका स्वभाव भी ऐसा हो सकता है, तो वो कई बार कुछ भी कह दे। तो एक मंत्री में बहुत सहनशीलता होनी चाहिए कि राजा ने कहा है तो वो ग्रज पकड़ के बैठा रहे तो कभी कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि राजा फिर खुश होते हैं तो खुश भी इतने होते हैं, कभी मूड ऑफ हो तो कुछ बोल भी देते हैं। तो बेसिकली वो कहते हैं कि जो मंत्री है उनकी सहनशीलता बहुत होनी चाहिए। तितिक्ष, इक्वेनिमिटी, वैसा भाव होना चाहिए कि चीज ठीक है, बुरा बोल भी दिया तो क्या, डजेंट मैटर, ग्रज रखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे जो करना चाहिए वो करना चाहिए, ठीक है। फिर एंड में वो एक कावियत देते हैं और बड़ सबसे बड़ी बात कहते हैं, वो कहते हैं, आत्मरक्षा ही सततम् कार्या विजानता, अग्नौ इव ही संप्रोक्ता वृत्ति राज उपजीविनम्, एकदशम देह अग्नि शरीरम वा परम गतः, सपुत्रदारम राजा तु घातये वर्धयेतवा। वो कह रहे हैं राजा के लिए काम करना ना, वो कहते हैं कि जो मंत्री है सबसे पहले उसकी उसको अपनी आत्मरक्षा पर तो हमेशा कॉशियस रहना चाहिए कि उसकी आत्मरक्षा हमेशा होती रहे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं राजा के लिए काम करना अग्नि से दोस्ती करने समान है, अग्नि के पास होने समान है। अग्नि तो फिर भी अगर आपको जलाएगी तो केवल आपको जलाएगी, राजा का तो ऐसा है कि सपुत्रदार पूरे कुटुंब सहित या तो आपको नष्ट कर देंगे अगर उनको कोप वो गुस्से में आए तो, या फिर अगर खुशी हो तो आपकी बढ़ोतरी भी उतनी कर सकते हैं। जैसे आग भी नुकसान भी उतना करता है पर आवश्यक भी उतना ही होता है, ये तो उससे भी ज्यादा घाती है। इसलिए जो मंत्री राजा के साथ काम कर रहे हैं या कोई भी लोग जो राजा के साथ काम कर रहे हैं, उनको आत्मरक्षा पर को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्वयं की रक्षा करते रहना चाहिए, और इसलिए वो व्यवहार कैसा करते हैं वो भी अत्यंत आवश्यक है। सिफारिश लावा, हाँ सिफारिश, देयर इज वन मोर वर्ड, सिफारिश तो है, सिफारिश इज उर्दू, बट एक वशीला, 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 इजंट दिस द वर्ड यूज मराठी में? हाँ Yes, I've heard this word. हाँ तो वो मैं सोच रही थी, बट हाँ योर सिफारिश हेल्प टू ब्रिंग आउट दैट, बट सिफारिश इज द वर्ड, यहाँ सिफारिश कीजिए जो रेफरेंस की मैं बात कर रही थी। तो इसे चौथा हो गया। पांचवा जो है वो एक्चुअली इसी से रिलेटेड है, इसी के आगे है, आई थिंक, लेट मी जस्ट टेक इट, ये भी फटाफट हो जाएगा कि वो जो जो भी जिसे अपॉइंट किया है अभी, नियुक्त कर्मसु व्यय विशुद्धम उदयम दर्शये। बेसिकली कि सपोज अभी आपको नियुक्त कर दिया और आपको किसी प्रोजेक्ट पे लगा दिया है, तो उस प्रोजेक्ट की आप रेगुलर जो जानकारी है वो राजा को बताते रहिए, उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, जो खर्चा है वो निकाल कर उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आप राजा को दिखाते रहिए। उसके अलावा राजा के जो शत्रु हैं या ऐसे हैं जो उनके अगेंस्ट घातक हैं अपने लोग, पर उनके अगेंस्ट कुछ विद्रोह करने का सोच रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उससे जो है वो राजा की रक्षा कीजिए। बिना कारण उसकी बिना कारण मतलब कोई खराब काम अगर वो कर रहे हैं, किसी व्यसन में पड़े हो, किसी एडिक्शन में पड़े हो, तो उसमें उसकी प्रशंसा मत कीजिए, रादर उसमें से उनको बचाने का प्रयत्न कीजिए। और उनके इंगित कारो च अस्य लक्षये, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। ये एक्चुअली हमने मंत्री और राजा के कॉन्टेक्स्ट पे नहीं, परंतु एम्बेसडर और शत्रु या दूसरे राजा के कॉन्टेक्स्ट में देखा था कि कोई स्पाई है या एम्बेसडर आपके जो है वो किसी और राजा के पास गए हो, तो उस राजा की बॉडी लैंग्वेज से वो एम्बेसडर को समझना चाहिए कि वो राजा के मन में क्या चल रहा है। इसी तरीके से इधर भी है कि जो मंत्री है उसने राजा के इंगित, राजा की बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर राजा उसको देखकर खुश होता है, बहुत अच्छे से खुशी से बात करता है, बोलता है कि आओ मेरे पास बैठो, उसके साथ चर्चा विचारणा करता है, उसको उससे कुछ छुपाने का प्रयत्न नहीं करता,
और कुटुंब के विषय में बात करता है, काम के अलावा भी बात करता है, जो सही बात है वो, जो अच्छी बात है वो बताता है, कहीं जा रहा हो तो साथ लेकर जाता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसकी सैलरी बढ़ाता है ना, किसी के सामने उसके अच्छे गुण गाता है वगैरह वगैरह, उस पर डिपेंड करता है, उसकी उसका ओपिनियन लेता है वगैरह वगैरह, ये सब अगर वो करता है और उसको देखकर उसकी मुंह पे हंसी आ जाती है, शांति रिलैक्स है वो फिजिकली, तो ये सब देखकर मंत्री को पता है कि अच्छा राजा मेरे काम से संतुष्ट है। परंतु इससे विपरीत अगर होता है, विपरीत होता है कि वो कोई भी आएगा एंड यू सी कि वो राजा की, जैसे जब वो मंत्री आता है तो राजा ऐसे अनकंफर्टेबल सा हो जाता है, फिजिकली कुछ ना कुछ ऐसे करता रहता है ना, ही इज जस्ट लाइक फिडलिंग अराउंड, या फिर उसकी भ्रुकुटी जो फ्राउन आ जाता है, ऐसे पसीना पसीना सा हो जाता है, कुछ कहना नहीं चाहता, जो बात कर रहा हो वो बात बंद कर देगा, किसी और से बात कर रहा है तो बात करना बंद कर देगा, किसी ना किसी बात पे उसको चैलेंज कर देगा, किसी के उसके पीछे जाके किसी से गलत उसके बारे में बताएगा, और उनके जो राजा के बाकी मंत्री है वो भी इसके आने से उनका भी बिहेवियर चेंज हो जाएगा वगैरह वगैरह, ये सब देखकर वो मंत्री को पता होना, समझ जाना चाहिए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, राजा मुझसे खुश नहीं है। फिर इसमें ये भी लिखा है कि अवेक्षा अपि अमानुषाणाम, कि ये तो लोगों का, कि राजा और उसके साथ के लोगों का आप बॉडी लैंग्वेज देखते हो, पर जो निमित्त, जो बाकी निमित्त है वो भी देखो, जैसे अगर पक्षी कुछ और इससे उड़ गया या कुछ और कहीं से पानी गिरा वगैरह वगैरह, सो इज गिवन सम ऑफ दीज निमित्त, एंड इसे इसका भी ध्यान रखो, और अगर आपको लगता है कि राजा कुपित है आपसे, तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि राजा कुपित है तो पॉसिबल है कि वो आपको मार देगा, उसका मतलब यू शुड सेव योर सेल्फ, तो या तो आप उस राजा को छोड़कर चले जाओ, दैट इज वन ऑप्शन, या जो राजा के प्रिय हैं उनके साथ अलाय कर राजा को शांत करने का प्रयत्न करो, और अगर सही में आप में कोई त्रुटि है या कुछ असमंजस, कुछ गलत फहमी हो गई है राजा को, कुछ गलत समझ हो गई है किसी कारण से, तो वो सुलझाइए और फिर से राजा को आपको क्षमा करने लगाई, और फिर ट्राई एंड गेट इन टू हिज गुड बुक्स, आप में स्वयं में चेंज करें, पर ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजा कुछ सोच रहे हैं आप कुछ और ही सोच रहे हो, ठीक है, वो होता है ना कि हमको लगता है कि अरे वाह हमने इतना अच्छा काम किया, फिर अप्रेजल एकदम खराब आता है और हमको लगता है अरे मैंने तो बहुत अच्छा किया, बट वॉट वी वर नॉट डूइंग ऑल दिस वाइल इज पिकिंग द सिग्नल्स विच आर बॉस वॉज गिविंग अस, कई बार ऐसा होता है, ऑफकोर्स कई बार वो इतने लुच्चे होते हैं कि पता ही ना चले, बट मोर ऑफन देन नॉट कुछ कुछ सिग्नल्स पहले ही आते रहते हैं, वो रेड फ्लैग्स की हम बात करते हैं ना, तो तभी ओनली इट्स इम्पोर्टेंट कि आप पहले ही बात करो, या ऐसे लगता है कि अच्छा इससे नहीं किसी और को बता के रखो कुछ गड़बड़ होने वाली है, जो आपके और मेंटर या कुछ हो, या इम्प्रूव योर सेल्फ एंड रेक्टिफाई योर वेज वगैरह, सो इट्स द सेम थिंग। नेक्स्ट चैप्टर पर मैं जाऊं, नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली इससे रिलेटेड है कि सपोज, और ये आखिर का अंतिम चैप्टर है इस अध्याय का, अगले सेशन से हम वो सप्तांग पे जाएंगे, परंतु ये वाला जो है, अगेन एज आई सेड, ये चैप्टर मिसलेनियस, ये पूरा सेक्शन ही मिसलेनियस है, बेसिकली लेट मी फिनिश दिस, फिर हम गप्पा गोष्ठी करते हैं। इसमें यह है कि राजा जो है, राजा पे कुछ तो कैलमिटी आ गई है, बेसिकली ऐसा कुछ हुआ है कि राजा की मृत्यु हो गई है अचानक से, ठीक है, अचानक से राजा की मृत्यु हो गई है, या फिर मंत्री को अंदाजा है कि राजा की मृत्यु होने वाली है, ऐसा कुछ तो, ठीक है, तो उस परिस्थिति में क्या करो, क्योंकि अगर अगर सूटेबल हायर ऑलरेडी, अगर युवराज की नियुक्ति और युवराज ऑलरेडी राजा का काम ना करने लगे, ऐसी परिस्थिति नहीं हुई है अब तक, अगर वो जो असेंडेंस है, असेंडेंस क्या, सक्सेशन प्लानिंग जो है वो हुई नहीं हो, क्योंकि या तो युवराज छोटा हो, या तो अचानक से राजा की मृत्यु हो गई हो विदाउट एक्सपेक्टेशन, या देर इज नो हायर अपेरेंट, ऐसी कोई भी परिस्थिति हो सकती है ना, तो उसमें एक मंत्री को क्या करना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन, या इस विषय पर आगे की बात बताते हैं। तो पहली बात तो वो कहते हैं कि अगर मंत्री को मालूम है कि कुछ टाइम में राजा का देहांत होने वाला है, तो सबसे पहले तो इसको अनाउंस नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्या होगा कि आपके जो शत्रु है वो इस समय का फायदा उठा सकते हैं कि भाई राजा नहीं है, लीडर नहीं है, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन कौन देगा प्रजा को, सेना को वगैरह वगैरह, तो ये अच्छा समय है
किसी पर भी आक्रमण करने का, या देश के अंदर ही ऐसे कुछ लोग हों जिनको लगता हो कि अच्छा राजा का खात्मा हो जाए, अब हम सिंहासन हत्या लेंगे, तो इनको भी समय मिल जाएगा। इसलिए आपको बहुत सावधानी से बर्ताव करना चाहिए जब आपको मालूम है कि राजा का भी देहांत हो रहा है या होने वाला है ऐसे कुछ। तो अगर आपको मालूम हो उस परिस्थिति में भी, यू शुडंट लेट पीपल नो अबाउट इट, इस चीज को कॉन्फिडेंशियली रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, तो इस केस में ही शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। वॉट शुड ही स्टार्ट प्रिपेयरिंग? तो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जो आप ना, वो राजा का दर्शन 2-3 महीनों से, आप अगले 2-3 महीनों के लिए राजा की कुछ ना कुछ मीटिंग्स आप सेट कर दो, और कहो कि अभी राजा नहीं मिल रहा है क्योंकि वो बहुत बिजी है, कुछ ये यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, व्हाटएवर व्हाटएवर, और अगले 2 महीने में ऐसे 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 आपसे मिलेंगे। अब वो अगले 2 महीने में कोई तो ऐसा लुक अलाइक हो राजा का, वो आपके पास होना चाहिए, जो जिसको आप तैयार राजा के जैसे करते हो, जो दिखने में उसके जैसा हो, ठीक है? वो कैन बेसिकली कैरी द फसाड ऑफ बीइंग द किंग, बोलने चलने का वो उसका जो मैनरिज्म है वो राजा के जैसा हो। और ओवर दैट नेक्स्ट 2-3 मंथ्स किसी से भी मिलना करना हो ना, तो इसी को आप लेकर जाओ, तो सबको लगे जैसे राजा है, राजा है। या कोई कुछ विद्रोह उद्रोह भी करने वाला हो, तो दे नो कि वो इसको कुछ करे रादर देन राजा को, इवन बिफोर हिज डेथ, राइट? तो या तो ऐसे करके उसको प्रेजेंट किया जाए, या और साथ साथ ही विद इन दैट टाइम आप युवराज भी घोषित कर दो, इफ देर इज अ युवराज, इफ देर इज अ युवराज, तो आप युवराज भी घोषित कर दो उस समय, एंड स्टार्ट ट्रेनिंग द युवराज एज यू नीड। पर इस फेक राजा को आप सबके सामने ले जाओ रादर देन द एक्चुअल राजा, सो दैट यू गेट टाइम टू प्रिपेयर इस सब के लिए। हाँ, करेक्ट करेक्ट। सो डबल्स, इट्स एग्जैक्टली दैट। मैंने भी ये सुना था कि इराक में सद्दाम हुसैन हैड हिज डबल्स। There is a movie actually called The Devil's Double, so it's based on that. अच्छा, इसी सद्दाम हुसैन पर ही है वो? Uday Hussein, अच्छा, how he hired a double for himself and how he made his life hell. अच्छा, ओके। बट हाँ, सो प्रीवियसली किंग्स यूज्ड टू हैव डबल्स, स्पाइस के होते थे, स्पेशली डिक्टेटर्स वगैरह के तो बहुत होते थे, बिकॉज हमेशा उनके जीवन पर खतरा मंडरा रहा होता है ना, सो दे डू दिस। सो दिस इज अ नोन स्ट्रेटजी। तो ये मंत्री वुड डू दैट व्हेन ही नोज कि या तो राजा की मृत्यु होने वाली है या हो चुकी है। फिर इसी समय अगर यूजिंग दिस टाइम कि कोई एक जगह पर जो आपकी ट्रेजरी है, जो सेना है, जो आपके हित हित चिंतक है वगैरह, उनको आप एकत्रित बेसिकली कंसोलिडेट करके रखो, क्योंकि अगर ऐसा कोई आक्रमण या अगर ऐसा कोई विद्रोह की परिस्थिति होती है, यू आर वेल प्लेस्ड टू मैनेज इट। तो दैट्स द अदर थिंग। साथ में आपके जो सामंत है, जो आपकी फिड्यूटरी लॉर्ड्स वगैरह हैं, जो आपके सामंत वगैरह हैं, जो आपके टेरिटरीज का ध्यान रख रहे हैं, उनमें भी आप देखो, उनमें भी आपको लगे कि ऐसा कोई है जो राजा के विद्रोह में आने की संभावना है, तो आप उसको पहले से ही मना लो, पहले से मना लो। अगर ना माने, ठीक है, फिर भी वो राजा के विद्रोह करने वाला हो, ऐसा आपको लगे कि ये तो करेगा, तो क्या करो, उसे कहो कि किसी कारणवश मिलने बुलाओ और उसको खात्मा कर दो, द यूजुअल। अगर वो नहीं मान रहे और वो राजा राज्य के लिए कुछ भय उपस्थित कर रहे हो वगैरह वगैरह, या आपके कोई सेनापति हो, आपके कोई आर्मी अध्यक्ष हो, वो कुछ ऐसा कर रहे हो, तो उनको कहीं और भेज दो, 2-3 महीने पे किसी मिशन पे भेज दो, ऐसे करके, ताकि आप तब तक संभाल सको राज्य के अंदर की परिस्थिति। फिर यूजिंग दिस टाइम जो भी कोई कुमार है उसको आप अभिषेक, उसका आप अभिषेक कर दो, ठीक है? स्पेशली अगर राजा ऐसी परिस्थिति में गुजर गया है कि कहीं और जाके गुजर गए, ठीक है, और यू हैव टू डू समथिंग, तो जो कुमार है जो है उसका आप अभिषेक कर दो उस समय पे। उसका अभिषेक तो कर दिया है, परंतु उसमें कैसा है कि एक तो जो जिसका अभिषेक किया है ही इज ऑलरेडी केपेबल इनफ, अगर वो केपेबल है तब तो कोई बात ही नहीं है, ही कैन स्टार्ट मैनेजिंग द अफेयर्स। पर अगर वो केपेबल नहीं है तो क्या करो उस परिस्थिति में, यू मैनेज एंड लेट हिम स्टिल बी देयर एज यू ट्रेन हिम, ठीक है? ऐसे ऐसे कुछ कुछ दिया है। फिर धीरे धीरे वो जो युवराज है उसको आप राज्यभार देते जाओ, और अगर दैट्स द अदर थिंग, वो कहाँ पे है, एक सेकेंड,
अच्छा नहीं, ओके, तो इसमें इस बात के लिए भरद्वाज करके कृषि, उनका ये कहना है कि जो मंत्री है, हु इज इन कंट्रोल, जो प्रधानमंत्री सबके कंट्रोल में है, रादर देन इतना सब झोलझाल करना कि भाई युवराज को ढूंढना, सबको एकत्रित करना वगैरह वगैरह, एनीवेज द स्टेट इज इन अ डिसरे, ठीक है, तो वो समय का उपयोग करके क्या कह रहे हैं भारद्वाज, स्वयं राज्य गृहिणियात, कि आप स्वयं जो प्रधानमंत्री है उसने स्वयं ही राजा को राज्य जो है वो हथिया लेना चाहिए, और अगर कोई विरोध में कोई जो युवराज लोग हैं जो बेसिकली राजपुत्र हैं या राजा के भाई चाचा भतीजे जो भी कोई है वो अगर विद्रोह में उठे तो उन्हीं को आपस में लड़वा दो, उन्हीं को आपस में लड़वा कर जो राज परिवार है उसका खात्मा कर आप स्वयं ही वो राज्य को हथिया लो, क्योंकि ही सेज कि ऐसा अवसर आपको सामने से आया है, आपने राजा को कुछ नहीं किया, यू आर लॉयल टू द किंग, ठीक है, आपने राजा को कुछ नहीं किया, पर परिस्थिति ऐसी आई है कि ना कोई युवराज पहले से घोषित है, जो है वो भी अच्छे से ट्रेन नहीं है, खाली पड़ा है, देर इज नो डायरेक्ट ये, और लोग एक दूसरे के साथ वैसे ही झगड़ रहे हैं, तो उसमें रादर देन फाइंडिंग समबडी इन द फैमिली आप स्वयं ही ले लो, आपको ये अवसर मिला है और स्वयं राजा बन जाओ, और वो कहते हैं कि जो घर पे जो सामने से लक्ष्मी आई है उसको ठुकराना नहीं चाहिए, दिस इज व्हाट भारद्वाज व्यू इज, ठीक है, जिसमें वो कहते हैं काल च सुकृद सुकृद अभेति यम नर काल कांक्षिणा दुर्लभ च पुनः तस्य काल कर्म चिकीर्षितः, कि जो मनुष्य काल के लिए बैठा है कि अच्छा सही सही अवसर आने पे मैं एक्स वाई जेड करूंगा, उसके बाद अब जब वो सही अवसर आ जाए तब उसने कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, तो ये भरद्वाज कहते हैं। बट एज यूजुअल कौटिल्य का आप क्या कहते हैं, प्रकृति कोपम अधर्म निष्ठम अनेकांतिकम च एतद इति कौटिल्य, वो कह रहे हैं ये सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है, एक तो ये अधर्म का काम है, दूसरा जो लोग हैं जो आपकी जनता है या और लोग हैं सेनापति है वो आपके विद्रोह में आ सकते हैं, कि ऐसे करके आपने राज्य परिवार को खत्म कर दिया, राजा के साथ गद्दारी की और ये स्वयं हथिया लिया, तो आपके ही विरोध में लोग आ जाएंगे, आपने ऑलरेडी अपनी अपनी जो प्रजा है उनसे वैर ले लेना जैसे होगा, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, इंस्टेड आपको राजपुत्र जो भी है उसको अभिषेक करना चाहिए, अगर राजपुत्र नहीं है तो राजकन्या या राजमहिषी इनका आपको अभिषेक करना चाहिए, राजपुत्र अच्छा है तब तो प्रॉब्लम नहीं है, राजपुत्र अच्छा नहीं है तो भी उसको लेना, तो या तो वो राजपुत्र या राजकन्या या राजमहिषी जो रानी है उनको अपने अपने सारे जो आपके बाकी मंत्रिमंडल है जो आपके सेनापति है उनके सामने साथ में बैठ के बात करना चाहिए कि अब क्या करो, भले ही अभी ये छोटे हैं या इनको एक्सपीरियंस नहीं है वगैरह वगैरह, पर ये तो नाम मात्र के होंगे, आपके सलाह से ही कार्य होगा, और फिर आप किसी किसी को बोल के रखोगे हाँ हाँ बात सही है, इन्हीं को हम अपना सर्व सर्वे सर्वे सर्वा मानते हैं, रानी को राजकन्या को या राजपुत्र को, और काम करते हैं, बेसिकली यू ऑल्सो यूज दैट टू फोर्ज लॉयल्टी टू द राज परिवार, लोग भी आपसे खुश हैं और आपने अपना कार्य भी निभाया है, जो मंत्री का काम है कि सिंहासन का ध्यान रखना राज्य का ध्यान रखना, और फिर वो कहते हैं कि सब एक साथ हो जाए, काम करने लगे, शांति स्थापित हो जाए, फिर आपका ध्यान जो है वो जो राज हुएवर इज दैट सिंबॉलिक है उनको ट्रेन करने में भी लगाओ, ठीक है, और अगर ये ऑप्शन द अदर ऑप्शन दिस इज कि अगर राजकन्या है, देर इज नो मेल हायर, अगर राजकन्या है या तो उसे बिठाओ, या द अदर ऑप्शन इज अगर वो उम्र संगत है, उसकी आयु सही है, विवाह करने योग्य है, तो किसी अच्छे कुल के लड़के को देखकर उसका विवाह करवा दो, और उसका जो पुत्र है, पुत्री का पुत्र, उसको आप राजा घोषित कर दो, और जब फिर वो और फिर उसकी ट्रेनिंग में ध्यान दो, जब तक वो बड़ा हो रहा है तब तक तो सब कुछ आप ही के हाथ में, फिर उसकी ट्रेनिंग पे ध्यान देकर एक बार वो एडल्ट हो जाए और वो प्रॉपर राजा बनने के काबिल हो जाए, तब आप फिर ये देखो कि वो आपसे तुष्ट है संतुष्ट है या नहीं है, अगर वो आपसे संतुष्ट है यू कैन कैरी ऑन,
अगर संतुष्ट नहीं है तो या तो आपको चले जाना चाहिए, ठीक है, यू गिव अप, यू गिव योर रेंज, बिकॉज अभी आप मंत्री भी हो, बूढ़े भी हो गए हो, तो यू गिव इट अप, किसी और को देकर आप निकल जाओ। पर अगर वो संतुष्ट है और आपको इच्छा नहीं है, तभी भी आप चले जा सकते हो और किसी और के नाम पे ये कर सकते हो, वगैरह वगैरह। एंड बेसिकली ही सेज कि एंश्योर कि आप जो भी करते हो अपने लिए ना करो, राज्य के हित में जो करते हो करो, और उसमें भी आपको लगे कि यार ही इज नॉट टर्न्ड आउट वेल, देन टेक व्हाट एवर अदर स्टेप्स यू नीड टू टेक। सो दिस इज फॉर द मंत्री। बेसिकली आप देखो तो चाणक्य ने एग्जैक्टली यही किया था, है ना, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए उनके बाद भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। ही वॉज ऑलवेज ओनली द मंत्री, ही वॉज ऑलवेज ओनली द गुरु। अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं लिया जब तक आवश्यकता थी चंद्रगुप्त को, और उसके बाद वो अपना मंत्री का कार्य करते थे। एंड ही इज प्रपोजिंग द सेम थिंग टू बी डन बाय अदर मंत्रीज आल्सो। विद दिस हमारा पांचवा अध्याय समाप्त होता है। ओके, आई एम डन। 6 बज गए हैं, बट वी कैन टेक 10 मिनट्स। आई नो बहुत जल्दी जल्दी हुआ है, अलग अलग टॉपिक्स पे हुआ है, पर आई थिंक सिंपल था, तो आई होप फील तो आ ही गया होगा व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, व्हाट चाणक्य वांट्स टू टेल अस। तो नाउ द फ्लोर इज ओपन, एनी थॉट्स, एनी कमेंट्स? नथिंग। ओके कूल, ठीक है, तो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।